हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों को आज इंदौर सूर्य मंदिर के बर्थडे पर जो विशाल भंडारा हुआ था, मैं वहां आप लोगों को लेकर जा रही हूं। जो इंदौर से हैं उन्हें पता था कि सूर्य मंदिर में भंडारा हुआ था। सूर्य मंदिर की जब स्थापना हुई थी, मतलब मंदिर का बर्थडे मनाया गया था। तो चलिए मंदिर में हम एंट्री कर लेते हैं और मंदिर के आपको मैं दर्शन कराती हूँ। ये है इंदौर सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी है और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज भी संडे है तो बहुत अच्छे से बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ थी। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छी सजावट की गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जब हम गए थे। फिर धीरे धीरे भीड़ होने लगी थी, तो यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी। और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कितनी गाड़ियाँ। और ये मैं हूँ, मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो क्लिप ले पाई क्योंकि वीडियो मैं ही शूट करती हूँ, तो मुझे तो लेने वाला कोई होता नहीं है। तो मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम और ये मंदिर का मेन गेट है सूर्य मंदिर का। और बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं। मैंने एक बार और वीडियो शेयर की थी आप लोगों से, लेकिन आप काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अब मंदिर बहुत अच्छे से बन गया है। कई सारी चीज़ें नई नई हो गई हैं। और ये है कछुआ जिनके पैर छूके हम मंदिर के अंदर जाते हैं। तो आप लोग भी आइए और देखिए कि सूर्य मंदिर भगवान का बर्थडे किस तरीके से मनाया गया। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके। और सूर्य मंदिर भगवान को छप्पन भोग भी लगाए गए। तो वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिएगा और घर बैठे आप इंदौर के सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। तो मिलती हूँ आगे आपको, अभी तो भंडारा भी खिलाना है। चलिए वीडियो को देखते रहिए। और इस जगह पर खंडवा के धूनी वाले दादाजी हैं, उनका दरबार लगाया गया था। तो बहुत ही मात्रा में उनके जो श्रद्धालु हैं वो लाइन लगाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़े थे। तो जो खंडवा से हैं वो जानते हैं धूनी वाले दादाजी को, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उनके भक्त इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए। और बिल्कुल जस्ट बगल से ही बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बनाया गया है, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, झूला वगैरह झूल रहे थे बच्चे भी। मंदिर में घूमने के बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं भंडारे में जो खाना बना था वो खाने के लिए। तो आप भी आ जाएं। और देखिए यहाँ पर भीड़ हो रही थी
और देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। मतलब इस तरीके का भंडारा हुआ था कि खाने की स्टॉल लगी हुई थी, आप अपने हाथ से लेकर और जगह पर बैठकर खा सकते हैं। वैसा वाला भंडारा नहीं था कि पत्तल लगाई जाएगी कि कोई आपको खाना खिलाएगा, अपने हाथ से आप ले लें प्लेट से और जितना खाना चाहते हैं उतना ले लें। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और हमने खाना ले लिया था। खाने में बहुत अच्छा स्वाद था। देखिए आप भजिया और जो अन्नकूट की मिक्स सब्जी बनती है वो, बूंदी और पूड़ी, तो कई जगह बैठने की व्यवस्था की गई थी कि अपने हाथ से आप प्लेट लेकर जहां आपका मन करे वहां बैठकर खा सकते हैं। खाना बहुत ही स्वाद बना था, मैंने भी खा लिया था खाना। खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाता, और आपको देखकर भंडारे का खाना सच्ची मुंह में पानी आ जाएगा। और देखिए सभी लोग ले रहे हैं, ये है वेज पुलाव, बूंदी, बूंदी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी सी, बहुत ही स्वादिष्ट भंडारे का खाना लगता है। और ये है पूड़ी और ये भजिया, तो आप देख सकते हैं भंडारे में भजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये थी हरी खट्टी मीठी पुदीना की चटनी और बूंदी। कई लोग खाना खाते भी हैं और साथ में अपने बॉक्स में पैक करके भी ले जाते हैं, पर ये चीज़ गलत है। अगर आप वहाँ खा रहे हैं तो आप खाइए, बॉक्स में पैक करके ले जाने का भंडारे का खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का खाना बनता है तो सभी को वहाँ पर पेट भर के खिलाया जाता है, तो घर पर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये अधिकतर लोगों को मैंने देखा कि बॉक्स में या पॉलीथीन में भर के ले जा रहे थे, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। आप खा रहे हैं तो खाइए, अगर आप घर पर भर के ले जा रहे हैं और जो और लोग खाने के लिए आ रहे हैं उन्हें प्रसादी नहीं मिलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा, तो ये चीज़ तो सभी को समझनी चाहिए। तो ये हॉल है भंडारे का, तो जब हम निकल के आ गए तो यहाँ पर जो नवग्रह मंदिर है सारे मंदिरियाँ बने हुए हैं और खाना बहुत अच्छे तरीके से खाया गया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कोई भगदड़ नहीं थी, मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पर गौशाला भी है, यहाँ जो अपनी गाय है उनको घास भी खिलाई जाती है। तो मंदिर में नवग्रह मंदिर के अलावा बहुत सारे मंदिर हैं और यज्ञ भी हुआ था। आप देखिए सुबह यज्ञ हुआ था और हम लोग 2 बजे गए थे, जब तक हवन बहुत अच्छे से जल रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।